हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यूपीएससी एनडीए एंड सीडीएस के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। दोनों के एक साथ जारी हुए हैं एडमिट कार्ड। कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो में बताया जाएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, जब भी आपको पता चल पाएगा। अभी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले आपको sarkarjail.com पर आ जाना है। आने बाद एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको मिलता है, इसी के नीचे आपको मिलेगा यूपीएससी एनडीए 1 एडमिट कार्ड 2024, यूपीएससी सीडीएस 1 एडमिट कार्ड 2024। तो दोनों डाउनलोड करने का एक ही प्रोसेस है। आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने बाद यहाँ पर आपके फॉर्म वगैरह कब भरे थे वो दिखा दिया जाए। सबसे नीचे आना है डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने बाद आप दो रोल नंबर से लिखा डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चर डालिए, सबमिट पर क्लिक कीजिए। एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं अपना, तो यहाँ पर फॉरगेट यहाँ पर आपको मिला है, इस पर क्लिक करोगे। अपना नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, ये डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कैप्चर, और सबमिट पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, आपका पासवर्ड वगैरह जो है आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो है पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद ऐसे ही आपको एनडीए पे यहाँ पे यूपीएससी एनडीए 1 एडमिट कार्ड, आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप इस पर क्लिक कर दोगे। अब दोस्तों क्लिक करने बाद अभी थोड़ा ये लोडिंग ले रहा है, तो खुले रहने से वेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैप्चर डालना है, सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, जो भी आपका नाम है दोस्तों, फॉर्म भरते टाइम भरा था। उसके बाद पिताजी का नाम जो आपने भरा था वो डालना है, माता जी का नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, वही जो आपने फॉर्म भरते टाइम भरी थी। उसके बाद ये कैप्चर डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपका एडमिट कार्ड जो है पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। ऐसी एनडीए की बात है, एनडीए में भी आपको सिंपल सेम ऐसे करना है, जैसे आपको मैंने बता दिया। दोनों का एक साथ ही प्रोसेस है दोस्तों, तो एक साथ ही एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। और आपको मैं बता दूं जो है ये और वो फॉर्म एक ही दिन निकाले गए थे, और एक दिन लास्ट डेट रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो मान के चले कि दोनों फॉर्म एक ही है, एनडीए एंड यूपीएससी सीडीएस वाला। तो दोस्तों सबसे पहले नीचे आना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे जो है आपको कुछ तो दोस्तों इस तरह से आप डाउनलोड कर लेना। प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे कैसे डाउनलोड करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। तो धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए।